हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चल रही हैं युवराज बैच की क्लासेस, लेक्चर नंबर 19 हम यहां पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं दोस्तों। और लेक्चर नंबर 19 का टॉपिक है आज हमारा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। यहां पर हम फ्यूचर टेंस के सारे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं फ्यूचर टेंस के टेस्ट की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 35 से। अब मैं घर जाऊंगा, नाउ आई विल गोन। अब भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, जीरो मार्क्स मिल गए आपको इसमें, मतलब तैयारी बहुत गड़बड़ है। सो नाउ आई के साथ शेल लगता है, मैंने आपको बताया था। नाउ कोई इरादा वाली बात नहीं है, नाउ आई शेल गो होम। क्या होगा? नाउ आई शेल गो होम। चलिए नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए। माता जी खाना खाएंगी, द मदर ईट फूड। अरे भाई साहब, द मदर विल ईट फूड, द मदर विल ईट द फूड या ईट फूड, बिल्कुल सही, फुल मार्क्स, द मदर विल ईट फूड। आज हमारे घर मेहमान आएंगे, आज हमारे घर मेहमान आएंगे। टुडे द रिलेटिव्स, भाई मेहमान को गेस्ट बोलिए, द गेस्ट विल, द गेस्ट विल कम इन आवर। हाँ देखिए, कम के बाद इन मत लगाइए, इन कोई ऐसी बात नहीं है, है ना। टुडे द गेस्ट विल कम टू आवर होम, टुडे के बाद कॉमा लगेगा, द गेस्ट विल कम टू आवर होम, तो इसमें आपको नहीं मिलेंगे मार्क्स। टुडे द गेस्ट्स विल कम टू आवर होम, काफी सारे गेस्ट हैं इसलिए एस लगेगा, टुडे द गेस्ट्स विल कम टू आवर होम, ठीक है ना। लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, बॉयज विल प्ले हॉकी इन द ग्राउंड, द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द ग्राउंड, द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द फील्ड या हॉकी इन द ग्राउंड, बिल्कुल सही है। लड़कियां कक्षा में गाना गाएंगी, द गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग इन द क्लास, द गर्ल्स विल सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, वी विल टुगेदर, वी विल गो टू स्कूल या वी शेल, अगर इरादा है तो शेल विल आएगा, नॉर्मल बात कर रहा हूँ तो क्या आएगा, शेल आएगा। अगर नॉर्मली जाओगे तो ठीक है, बट कसम खा के रखिए कि हम तो साथ ही जाएंगे हाथ पकड़ के एक दूसरे का, तो फिर विल लगेगा, वी शेल गो टू स्कूल टुगेदर, बिल्कुल सही। देखिए विल बोल रहा था बट शेल का इस्तेमाल भी हुआ है, मतलब शेल और विल दोनों लगते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। रवि छत पर पतंग उड़ाएगा, रवि विल फ्लाई काइट ऑन द स्काई की रूफ, ऑन द रूफ, रवि विल फ्लाई काइट ऑन द रूफ, बिल्कुल सही। छत पर पतंग उड़ाएगा, आसमान पर भला कैसे उड़ाएगा भाई, रवि विल फ्लाई काइट ऑन द रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे, दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे, ग्रैंडफादर विल रीड न्यूज़पेपर सिटिंग ऑन द चेयर, the grandfather will read the newspaper sitting on the chair। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर युवराज ने बताई, उसने खुद लगाया बैठ कर। अब बैठ ना भाई साहब, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं कि बैठे बैठे उठ जाएंगे, तो इसने खुद बताया सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग इन द चेयर, सिटिंग इन द चेयर। देखिए चेयर के अंदर आप फंस जाते हो इसलिए इन आएगा, क्या लगेगा, इन, सिटिंग ऑन द चेयर, भाई टेबल के ऊपर आप ऐसे पैर रख के तो बैठे नहीं हो, है ना, तो सिटिंग इन द चेयर आएगा, क्लियर हो गया। द ग्रैंडफादर विल रीड द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द चेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे, यू विल रिमेंबर मी जिंदगी भर, को क्या बोलूं, क्या आप सोचिए, बताइए क्या होंगे, यू विल रिमेंबर मी, यू विल रिमेंबर मी ऑल द लाइफ। ओके चलिए देखते हैं आपका क्या होगा, यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ, बिल्कुल सही है, यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ, ओके, यू विल रिमेंबर मी पूरी जिंदगी यानी होल लाइफ, ठीक है। वह हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी, शी विल बोलिए, शी विल गो अमेरिका विद द, शी विल गो टू अमेरिका, गो टू अमेरिका से, गो टू अमेरिका विद चलिए, शी विल गो टू अमेरिका बाई एयरप्लेन, बाई एयरप्लेन, देखिए हवाई जहाज से, तो बाई इस्तेमाल करिए साधन इस्तेमाल करने के लिए, बाई, ओके क्लियर है। शी विल गो टू अमेरिका बाई एयरप्लेन। देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे आप मान लीजिए कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में पकड़ते हैं, है ना, तो आप वहां पर विद का इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं, विद अ नाइफ, कट द पोटैटो विद अ नाइफ, मगर एयरोप्लेन तो आप हाथ में नहीं पकड़ के जाओगे, उसके अंदर तो बैठ के जा रहे हो ना,
है ना. सो सी विल गो टू अमेरिका बाई एयरप्लेन, बाई एयरप्लेन, एयरप्लेन बोलते हैं बट सही है इसका एयरप्लेन. चलिए तो ये हो चुका है. अब हम चलते हैं निगेटिव टेंसेस की तरफ. निगेटिव टेंसेस देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 36. सो ओके गाइस, नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास तैयार है. चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस का टेस्ट देने के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं. अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा. नाउ आई विल नॉट, देखिए यहां पर नाउ आई विल नॉट, आई विल नॉट, नाउ आई विल नॉट, हां डू नहीं, डू नहीं आएगा. देखिए इंतजार करने को वेट ही बोलते हैं, इंतजार करना वेट कहलाता है, उसमें अलग से करने के लिए डू नहीं लगेगा. नाउ आई विल नॉट वेट फॉर Him. Now I will not. I shall आएगा भाई साहब, इरादा करोगे तो will हो जाएगा. Now I shall not wait for him या wait for her. बिल्कुल सही है ना. आपने will लगाया मतलब इरादे की बात कर ली है, but normally आप बात करोगे तो क्या है, I shall. समझ में आ गया ना, मतलब shall है मतलब इरादा पक्का नहीं है, normal बात है. और अगर will लगा दिया तो इरादा हो गया. मायावती जी election नहीं लड़ेंगी. मायावती जी will not contest election. मायावती जी विल नॉट, मायावती जी विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन. बिल्कुल सही, मायावती विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन. विद्यार्थी लेखक पाठ नहीं लिखेगा, लेखक को राइटर बोलते हैं. द राइटर विल नॉट राइट द लेसन. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे. स्टूडेंट विल नॉट मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस इन द क्लास. बिल्कुल सही, द स्टूडेंट विल नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास. वह मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी. She will not tell me about it. कुछ नहीं, anything. ओके, यस. He will tell me nothing about her. ओके, देखिए यहाँ पर दोनों चीजें हो गई हैं. देखिए यहाँ पे उन्होंने जैसे कहा कि युवराज ने कहा ही विल नॉट, तो निगेटिव में चला गया, तो निगेटिव में चला गया तो यहाँ पर आएगा एनीथिंग. क्या आएगा? एनीथिंग. बट यहाँ पे नथिंग यूज कर दिया है. क्या यूज कर दिया है? नथिंग. तो आप इसको सिंपल चले दीजिए, ही विल टेल मी नथिंग अबाउट हर, ही विल टेल मी नथिंग अबाउट हर, है ना. वह मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी, है ना. तो वैसे गलत लिखा है क्योंकि वह है तो मतलब लड़की है ये पक्का से, शी. तो अगर आप निगेटिव से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो विल नॉट लगाइए. शी विल नॉट टेल मी एनीथिंग अबाउट हिम या हर. शी विल नॉट एनीथिंग अबाउट, टेल एनीथिंग अबाउट हिम या हर, जो भी लगाना आप लगा सकते हैं. और दूसरा तरीका इसका है, यही जो दिया है ना, She will tell me nothing about her. चलिए बताइए, मैं यह बैग कभी नहीं उठाऊंगा. I will not pick up this bag ever. I will not pick up this bag ever. एक तो ये बनेगा, दूसरा बताइए. I will never pick this bag हो जाएगा, या I shall never. देखिए नॉर्मल बात है, वैसे मैं कहूंगा कि इरादे की बात हो रही थी, यहाँ पे will लगाइए. I will never lift this bag, उठाना. अच्छा, pick मतलब उठा करके शायद अपने पास रख लेना, बट ये केवल यहाँ उठाने की बात हो रही है, जैसे आप कोई वेट को उठाते हो. तो I shall never lift this bag. ओके, है ना. और जमीन में कोई अगर पॉकेट पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा तो उसको उठा ले तो उसको पिक बोलते हो, ठीक है ना. बट ये I shall never lift this बैग. चलिए नेक्स्ट है, कल हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे. We shall not celebrate. जन्मदिन मनाना है, सेलिब्रेट. वी शैल नॉट सेलिब्रेट हिज या हर बर्थडे टुमारो. वी शैल नॉट, या वी शैल नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे लास्ट में टुमारो, या टुमारो लगा के कॉमा वी शैल नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे, दोनों सही है ना. चाहे बाद में लगा दें टुमारो को या पहले लगा दें टुमारो को, बात ही की है. तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ोगे. तुम यह किताब कभी नहीं पढ़ोगे. अब देखो भाई, कभी नहीं यानी कि नेवर बनाओगे, तो अगर नेवर बनाओगे तो नॉट नहीं लगेगा, और अगर नॉट लगाओगे तो फिर एवर लग जाएगा. बताइए, यू विल नेवर
बुक यस यू विल नेवर रीड दिस बुक वेरी गुड नेवर लगा दिया तो नॉट नहीं लगेगा यू विल नेवर रीड दिस बुक नॉट रीड दिस बुक एवर बिल्कुल सही यू विल नॉट रीड दिस बुक एवर वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे दे विल नॉट गो टू सी द ताजमहल ये तो भाई साहब प्योरली निगेटिव आ गया पता नहीं यहाँ पे क्यों डाल दिया इसने दे विल नॉट गो टू सी ताजमहल हालांकि निगेटिव ही तो चल रहा है ना ये हाँ दे विल नॉट गो टू सी द ताजमहल ताजमहल के सामने दा जरूर लगाइए हम आज रात को कोई फिल्म नहीं देखेंगे We will not watch any film today. We shall watch no film tonight. बेटा today नहीं है आज रात है मतलब tonight. क्या होगा tonight. और वैसे है We shall watch no film tonight. We shall watch no film tonight. और आपने कहा We shall not watch any film tonight. बिल्कुल सही बात है एनी फिल्म टू नाइट तो वो भी सही है ये भी सही है चलिए तो हमारे हो गए एक्सरसाइज 36. अब इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 37 पे जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव ओके इंट्रोगेटिव चलिए तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि विल या शैल पहले आ जाते हैं चलिए पहला बताइए एक्सरसाइज नंबर 37 में सभी का स्वागत करते हैं बताइए क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे आफ्टर विल यू गो टू द मार्केट आफ्टर सम टाइम देखिए भाई कह रहे हैं यहाँ पे विल यू गो टू द मार्केट आफ्टर सम टाइम बिल्कुल सही क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा क्या वे जॉब तलाश करने दिल्ली जाएंगे विल दे गो टू दिल्ली टू फाइंड अ जॉब विल दे गो टू दिल्ली टू सर्च फॉर अ जॉब या टू फाइंड अ जॉब दोनों सही है और जॉब तलाश को सर्च फॉर अ जॉब भी बोलते हैं फाइंडिंग अ जॉब फाइंड अ जॉब भी बोलते हैं दोनों सही है टू सर्च फॉर अ जॉब क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे विल द गेस्ट्स कम टुडे आपके घर आपके मतलब योर हाउस योर होम Will the guest come to your home? Will the guest come to your home? आज को तो खा लिया भाई साहब ने यहाँ पे टुडे लगाना पड़ेगा Come to your home today. Clear है Will the guests come to your home today? चलिए क्या आज आसमान से पानी बरसेगा Will the आसमान से पानी Will the water बरसने को क्या बोलते चलिए इसमें आप जीरो दे दीजिए देखते हैं क्या इसका सोल्यूशन विल द वॉटर रेन फ्रॉम द स्काई टुडे टुडे आज लिखा ना भाई इसमें इसमें भी तो आज लिखा था आज है तो टुडे आएगा विल द वॉटर भाई अब रसने को रेन बोलते हैं और क्या बोलते हैं विल द वॉटर रेन फ्रॉम द स्काई रेन फ्रॉम द स्काई टुडे ठीक है ना यस yes. क्या आप मेरा एक काम कर देंगे चलिए देखते हैं विल यू डू मी अ फेवर नोट करिए एक तरीका का फ्रेज है पूरा का पूरा एक काम करने को बोलते हैं जैसे जैसे मतलब कि जैसे आपने देखा होगा टचवुड मतलब कि किस्मत वाली बात है ना खुशकिस्मती तो इसमें कुछ आता नहीं है अब जैसे फेवर यानी कि मेरा एक लाभ कर दीजिए मेरा एक थोड़ी सी मेरे पक्ष में रहिए आप मेरे तरफ बोलिए तो विल यू डू मी ए फेवर एक तरीके की फ्रेज हो गई है ना विल यू डू मी ए फेवर विल यू डू मी ए फेवर मेरे एक काम कर देंगे अब काम करें भाई हाथ से काम करना जरूरी नहीं है काम करना मतलब आप मन से कर दो बोल के कर दो कुछ भी कर दो तो विल यू डू मी ए फेवर नोट कर लीजिए इसको क्या आप मेरा एक काम कर देंगे विल यू डू मी ए फेवर बहुत अच्छा बोल चाल का वर्ड है विल यू डू मी ए फेवर विल यू डू मी ए फेवर क्या आप मेरा एक काम कर देंगे विल यू डू मी ए फेवर है ना हाँ ये कोई हाथ से काम करने की बात नहीं हो रही है ये बस काम करने की बात हो रही है अब काम मेरे को पता नहीं तो विल यू डू मी ए फेवर बच्चों वैसे फेवर का मतलब होता है किसी चीज के साथ खड़े होना किसी के पक्ष में रहना बट यहां पर काम करने का मतलब भी फेवर में ही जाता है विल यू डू मी ए फेवर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आप यहां पर एक पेड़ लगाओगे क्या आप यहां पर एक पेड़ लगाओगे विल यू प्लांट अ ट्री हियर ओके देखिए तो क्या आप यहां पर एक पेड़ लगाओगे का बन रहा है विल यू पुट अ ट्री हियर या प्लांट अ ट्री हियर बिल्कुल सही प्लांट आएगा यहां पे है ना
पेड़ रखना हो जाएगा भाई साहब, पेड़ लगाने को बोलते हैं प्लांट अ ट्री हियर, विल यू प्लांट अ ट्री हियर। क्या नौकर बाजार से सब्जी लाएगा? विल द सर्वेंट ब्रिंग वेजिटेबल्स, विल द सर्वेंट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बच्चा दिन भर आंसू बहाएगा? चाइल्ड दिन भर को वोल्डे हाँ आंसू बहाने को आपने क्राई कह दिया है, बट देखिए ध्यान से, विल द चाइल्ड शेड टीयर्स, शेड टीयर्स आंसू बहाने को बोलते हैं भाई साहब, शेड टीयर्स ऑल डे लॉन्ग या होल द डे, होल डे ठीक है ना, विल द चाइल्ड शेड टीयर्स, शेड टीयर्स ओके, डोंट शेड टीयर्स आंसू मत बहाओ, शेड टीयर्स होल द डे, शेड मतलब आंसू बहाना है ना। देखिए वेल द टीयर्स शेड टीयर्स ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बच्चा दिन भर आंसू बहाए गए हो गया, क्या लेखक गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालेगा, क्या लेखक गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालेगा, चलिए देखते हैं क्या है इसका। विल द राइटर शेड लाइट, विल द राइटर शेड लाइट, लिखिए प्रकाश डालना मतलब किसी चीज को ध्यान से बताना। विल द राइटर शेड लाइट ऑन द लाइफ ऑफ गांधी जी, ऑन द लाइफ ऑफ गांधी जी, विल द राइटर शेड लाइट, शेड लाइट ऑन द लाइफ ऑफ गांधी जी। क्या तुम बिजली का बिल जमा करोगे, विल यू डिपॉजिट द बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, विल यू डिपॉजिट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्कुल सही, विल यू डिपॉजिट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप लिख लीजिए शेड लाइट यानी कि प्रकाश डालना, शेड टीयर्स मतलब आंसू बहाना, शेड टीयर्स मतलब आंसू बहाना। चलिए नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज नंबर 38 पर, WH वर्ड की एक्सरसाइज है। अब तुम वहां जाकर क्या करोगे, व्हाट विल यू डू देयर, व्हाट विल यू डू देयर, वहां जाकर। चलिए इसका देखिए, अब तुम वहां जाकर क्या करोगे, नाउ व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर, इसको नोट करिए, नया सेंटेंस है, नाउ व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर, वहां जाकर के क्या करोगे, नाउ व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर, नाउ व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर, मतलब वहां जाने के बाद, वहां जाने के बाद, आफ्टर गोइंग देयर ओके, तो वहां जाने के बाद हो गया आफ्टर गोइंग देयर, नाउ व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर, यस आफ्टर गोइंग देयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा, टेक केयर बोलते हैं देखभाल को, वो विल टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड, नाउ आएगा भाई, पहले तो अब है, नाउ वो विल टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड, बिल्कुल सही, अब इस बच्चे की, नाउ वो विल टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड, तुम इतना सारा काम कैसे निपटाओगे, हाउ विल यू कंप्लीट ऑल दिस वर्क, हाउ विल यू कंप्लीट ऑल दिस वर्क, हाउ विल यू हैंडल या कंप्लीट सो मच वर्क, इतना सारा काम, इतना सारा काम है ना, ऑल दिस वर्क सो मच, इतना सारा, इतना सारा को सो मच कहना ज्यादा बेटर होगा है ना, तो चलिए ठीक है। सो नाउ हाउ विल यू कंप्लीट, हाउ विल यू कंप्लीट और सो मच वर्क और ऑल दिस वर्क। चलिए, वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा, भाई दलदल का मतलब क्या होता है, वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा, ये एक फ्रेज तरीके का क्वेश्चन है मड। चलिए, वह इस दलदल से बाहर कैसे आएगा, दलदल को स्वैम्प बोलते हैं, हाउ विल यू कम आउट ऑफ दिस स्वैम्प, हाउ विल यू कम आउट ऑफ दिस स्वैम्प, स्वैम्प यानी कि दलदल। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये सारी स्पेलिंग आप अपने डिक्शनरी वाली कॉपी में लिखिए, अगर आप किसी अलग कॉपी में लिखते हैं तो उनको सबको डिक्शनरी में नोट कर लीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा आपके पढ़ने का, आप सब भूल जाएंगे। हाउ विल यू कम आउट ऑफ दिस स्वैम्प, हाउ विल यू कम आउट ऑफ दिस स्वैम्प, स्वैम्प यानी कि दलदल, हाउ विल यू कम आउट ऑफ दिस स्वैम्प। इन शरारती बच्चों को कौन धमकाएगा, इन शरारती बच्चों को कौन धमकाएगा, नॉटी नॉटी चाइल्ड,
children. Who will scold these naughty children? Who will scold these naughty children? Naughty children. हम इस अंधेरी रात में बाहर कैसे जाएंगे? How will we go outside? Go outside in this dark night. How will we go outside in this dark night? How will we go outside? या out in this dark night होगा भाई, अंधेरी रात को dark night बोलते हैं. Okay, बिल्कुल सही. आज रात वे कौन सी फिल्म देखेंगे? Which film? Which do कहाँ आ गया भाई साहब? Which film will tonight? Which film will they watch tonight? बिल्कुल सही. Which film will they watch tonight? ठीक है ना? Which film will they watch tonight? वे दोनों which film will they watch tonight? चलिए देखिए, वे दोनों फोन पर क्या बात करेंगे? वे दोनों फोन पर क्या बात करेंगे? वे दोनों फोन पर क्या बात करेंगे? चलिए, वे दोनों फोन पर क्या बात करेंगे? व्हाट विल दे बोथ टॉक अबाउट? बात करने को लिख लीजिए कॉपी में टॉक अबाउट. व्हाट विल दे बोथ, दोनों हैं मतलब दे बोथ. व्हाट विल दे बोथ टॉक अबाउट ऑन द फोन? व्हाट विल दे टॉक अबाउट ऑन द फोन? देखिए फोन पे आ गया ना ऑन द फोन. उस दिन आया था, कुछ और आया था ना विद द फोन, तो वो गलत था. व्हाट विल दे बोथ टॉक अबाउट ऑन द फोन? व्हाट विल दे बोथ टॉक अबाउट ऑन द फोन? व्हाट विल दे बोथ टॉक अबाउट ऑन द फोन? What will they both? वे दोनों यानी कि they both talk about on the phone. अब तुम्हें English कौन पढ़ाएगा? Who will teach you English now? Who will teach you English now? बिल्कुल सही है. Next question है, वह अकेली कहाँ जाएगी? Where will she go alone? Where will she go alone? Where will she go alone? बिल्कुल सही है. Where will she go alone? चलिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक्सरसाइज पे आ चुके हैं. ये लास्ट एक्सरसाइज होगी इस टेस्ट पेपर की. चलिए क्या क्या है एक्सरसाइज भाई? क्या वह अब यहां नहीं आएगा? बताइए. विल विल ही नॉट कम हेयर भाई अब है. विल ही नॉट कम हेयर नाउ? देखते हैं भाई क्या है इसका सोल्यूशन. विल ही नॉट कम हेयर? हाँ भाई, अब लगाना है तो नाउ तो लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अब लगा हुआ है. विल ही नॉट कम हेयर नाउ? बिल्कुल सही जवाब. तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे? वाई विल यू नॉट टॉक टू हिम? वाई विल यू नॉट टॉक टू विद टॉक? वाई विल यू नॉट टॉक टू हिम या टॉक टू हर? बिल्कुल सही है. टॉक विद हर या टॉक विद हिम भी लगा सकते हैं. वाई विल यू नॉट टॉक टू हिम? नेक्स्ट, वह दिल्ली में क्यों नहीं रहेगा? वाई विल ही नॉट लिव इन दिल्ली? वाई विल ही नॉट लिव इन दिल्ली? बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम हमारे घर खाना क्यों नहीं खाओगे? वाई विल यू नॉट ईट फूड इन आवर होम? वाई विल यू नॉट ईट द फूड एट आवर होम? बेटा हमारे घर पर यानी हमारे एट आएगा. क्या आएगा? एट पर यानी एट हमारे घर पर आएगा. सो वाई विल यू नॉट ईट द फूड एट आवर होम? क्या ये लड़कियां स्टेज पर गाना नहीं गाएंगी? विल दीज गर्ल्स नॉट सिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज? विल दीज गर्ल्स नॉट सिंग अ सॉन्ग? बेटा आप बार बार आप भूल जाते हो. सिंग अ सॉन्ग, मेक अ नॉइस, सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज. यह फिल्म कौन नहीं देखेगा? वो विल नॉट वॉच दिस फिल्म? बिल्कुल सही. क्या वे अब खाना नहीं खाएंगे? Will they not eat food now? Will they not eat food now? देखते हैं. Will they not eat the food now? बिल्कुल सही. Will they not eat the food now? क्या तुम सत्य नहीं बोलोगे? Will you not say truth? Speak truth. Will you not speak the truth? Will you not speak the truth? सत्य बोलने के लिए speak the truth लगता है, ठीक है ना? यस, स्पीक यानी बोलना. क्या अब तुमसे मिलने कोई नहीं आएगा? विल नो वन कम टू मेट यू नाउ? अब तुमसे विल नो वन भाई मेट क्यों लगा रहे हो? सेकंड फॉर्म थोड़ी ना आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी. विल नो वन मीट यू नाउ?
चलिए, विल नो वन कम टू मीट यू, ओके कम टू मीट यू नाउ यहां पे आएगा, विल नो वन कम टू मीट यू नाउ। चलिए नेक्स्ट है।